मैच के बाद रोहित शर्मा और नीता अंबानी के बीच ड्रामा देखने को मिला। जी हाँ, आज मुंबई लखनऊ के खिलाफ अपने ही घर में मैच हार गई, जिसके साथ मुंबई पॉइंट्स टेबल पर आखिरी आ चुकी है। और हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के लिए ये आखिरी सीजन था। इसके बाद हमें रोहित मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, और शायद अब मुंबई इंडियंस के ओनर्स नीता अंबानी और आकाश अंबानी को अपनी गलती का एहसास हुआ है। इसीलिए जैसे ही मैच खत्म हुआ, उसके बाद सबसे पहले नीता अंबानी रोहित के पास जाकर बात करते हुए नजर आई। उसके बाद उनका बेटा आकाश अंबानी भी रोहित से मिलने आए। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि अंबानी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए अब दोनों मिलकर रोहित को कन्विंस करते हुए दिखाई दिए कि वो मुंबई इंडियंस की टीम छोड़कर ना जाए। लेकिन रोहित जिस तरह से बात कर रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि अब उनका मुंबई की टीम में खेलने का कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, आपकी राय में क्या रोहित को किसी और टीम के लिए खेलना चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।